जी, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे होंगे कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसे कैसे ट्रेड करते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कितना एसएल होता है, कितना टारगेट होता है, कहाँ एंट्री करनी होती है, कहाँ एंट्री नहीं करनी होती है, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कप पैटर्न है और इसका कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट फॉल करता है एंड यहाँ पे एक राउंड शेप का पैटर्न बनाता है। देन उसके बाद एक छोटा सा राउंड शेप का पैटर्न बनाता है। ये जो बड़ा वाला राउंड है ये आपका कप होता है एंड ये जो छोटा वाला राउंड होता है ये आपका हैंडल होता है। और ये जो होता है आपकी नेकलाइन होती है और ये एक रेजिस्टेंस भी होती है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके जो कि छोटे हैंडल यानी छोटे सेमी सर्कल के पास कंसोलिडेट होता है मार्केट, उसको हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है। वेल यहाँ पे आप दो तरीके से एंटर कर सकते हो। एक तो आप जैसे ही ब्रेक किया आप एंटर ले सकते हो 50% क्वांटिटी से, एंड जब ये रिटेस्ट के लिए आता है उसके बाद अपना 50% क्वांटिटी यहाँ पे लगा सकते हो। एंड देन जब ये बाउंस करता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा टारगेट दे सकता है। वो टारगेट कितना होता है, जनरली मान लीजिए कि आपका ये कप का पैटर्न जो है यहाँ पे आपका इतना है, मान लीजिए 5% का ये आपका कप रहा, तो यहाँ पे जितना ये नीचे की तरफ गया उतना परसेंटेज आप ऊपर की तरफ कैलकुलेट कर लो। जैसे कि नीचे 5% गया तो ऊपर आपका 5% आपका टारगेट होगा। और आपका एसएल जो रहता है ये हैंडल के नीचे का आपका एसएल रहता है। अगर आपको मतलब कप के कप का हैंडल भी मतलब छोटा है तो आप इसका भी एसएल ले सकते हो। वेल इसका एसएल ज्यादा छोटा होता है उसके हिसाब से आपको 1:2 या 1:3 का टारगेट आसानी से मिल जाता है। वेल आप बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में कि आपको कैसे ये चार्ट पे आइडेंटिफाई करना होगा। अभी मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिसमें कि ये ऑलरेडी बन रहे हैं, मतलब बन चुके हैं, अब ब्रेकआउट की बस इंतजार है। वेल ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है और यहाँ पे आपको देख सकता है कि एक छोटा सेमी सर्कल है, एक बड़ा सेमी सर्कल है एंड एक छोटा सेमी सर्कल है और इन पैटर्न को मिला के ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और ये आपकी नेकलाइन है, ये आपका नेकलाइन है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है मार्केट यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। वेल पिछले दिन क्या हुआ था कि मार्केट गया था ऊपर पर इसको वापस से अपने ट्रेंड लाइन जो नीचे सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन है यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर दिया था। तो कल के दिन अच्छे इसको ब्रेकआउट नहीं मिले। अगले दिन अब देखते हैं कि अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि एक बार ये रिजेक्ट हो चुका है। जब ऊपर जाके और रिटेस्ट पे आता है दोबारा, देन आपको यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। अच्छा सा आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे 16% का ये यहाँ पे कप बना हुआ है तो ऊपर आप भी 15-16% का टारगेट ले सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक का। दूसरा हमारा स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में भी आपको सेम दिख जाएगा पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे और अच्छे से फॉर्मेशन हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है ना ही ब्रेकआउट हुआ है। वेल इसमें भी आप एक एंट्री बना सकते हो। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट, सपोज मार्केट ऊपर है और वहां से फॉल करता है और फॉल करते हुए एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फिर एक छोटा सा सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करता है सेम रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट करके। इस जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं नेक लाइन। और यहाँ पे ये रेजिस्ट करके जब इसको ब्रेक करता है, ये जो कंसोलिडेट करता है ना, तो कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो ये एक बुलिश कंफर्मेशन है। और यहाँ पे आपको कई सारे कंफर्मेशन में मिल जाएंगे, जैसे आरएसआई यहाँ पे 60 क्रॉस होते हुए दिख जाएगी, अच्छे खासे वॉल्यूम दिख जाएंगे, या फिर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट वगैरह या फिर क्रॉसओवर आपको दिख जाएगा। तो आप इसको पैटर्न के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री ले सकते हो या फिर रिटेस्ट किया आप वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। तो अब बात करते हैं वेल ये पैटर्न काम करता है कि नहीं। इसको देखने के लिए हम पहले कुछ स्टॉक्स पे जाते हैं। जैसे ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है, यहाँ पे आपको देख सकता है कि ये जो डेट है ये तकरीबन 13 जून से लेके और 19 जुलाई, यानी कि लगभग एक महीने का ये कप एंड हैंडल का पैटर्न था। वन डे चार्ट है और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, एक दिन में ही ब्रेक किया और उसी दिन रिटेस्ट हुआ और अगले दिन आपको मार्केट लगातार ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। वेल यहाँ पे जितना आपका बड़ा कप था, ये कप था आपका ऑलमोस्ट, ये आपका कप था 13-14% का और यहाँ पे जो आपका टारगेट है ये उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गया है। तो वेल ये जो चार्ट है ये ज्यादा जाने का रीजन ये भी था कि ये जो है बहुत ज्यादा आपको बॉटम पे ये पैटर्न मिला हुआ था ना। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में। तो ये है एलएनटी टर्बो यानी लार्सन एंड टर्बो का चार्ट है और यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख गया था। और यहाँ पे भी आपको आपका टारगेट जो है कितना बड़ा ये था कप 7% का और यहाँ पे आपको मोर देन 7% का टारगेट मिल चुका है, दैट इज 9 to 10 यानी 10-11% का आपको टारगेट मिल गया यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न पे। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें आपको दो बार टारगेट मिला, दो बार ये आइडेंटिफाई हुआ है चार्ट एंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट मिला है। तो पहला जो मिला है ये मार्च अप्रैल के बीच में मिला है और दूसरा जो है ये मिला है मई से जून के बीच में। यहाँ पे आपको दोनों बार अच्छा खासा टारगेट मिला है। अगर कोई इस पे भी होल्ड करके रखता है तो ये सीधा आपको देख सकता है कितना है, मोर देन 50% का ये रिटर्न है, आप देख सकते हो। वेल कोई भी इतना ज्यादा होल्ड तो नहीं कर पाता क्योंकि इतना ज्यादा ड्रॉन के जो ये करेक्शन होता है या फिर जो रिट्रेसमेंट होता है इसके बाद लोग निकल जाना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि मार्केट मेरा सपोज 10,000 का प्रॉफिट दे रहा था और अभी फिर 5,000 पे आ गया तो वो सोचते हैं कि अब जो मिल रहा है वो लेके निकल जाए। ये फियर होता है मार्केट में, इन सबको ओवरकम करने के लिए आपको साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। वेल अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें भी आपको एक अच्छा खासा ये सेम पैटर्न पे एंट्री मिली थी एंड यहाँ पे आपको इसका भी टारगेट अचीव हो गया था।
वेल कई सारे पैटर्न होते हैं, इनके बारे में भी हम अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कप एंड हैंडल के बारे में, तो आप कुछ ऐसे अपना ट्रेड कर सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न पे। तो ये रहा, कुछ बैक टेस्ट कर लिया हमने कि ये काम करता है नहीं करता है, तो हाँ जी ये काम करता है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है अच्छे तरीके से, आपको एंट्री लेनी है रेजिस्टेंस या फिर नेकलाइन के ब्रेक होने पे, यहाँ पे ब्रेक होता है यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और आप देख सकते हो ऑल द वे, अब आपको हर जगह यही सेम दिखते हुआ मिल जाएगा। या फिर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो, या L&T की बात करें, या फिर इंडसइंड बैंक की बात करें, आपको हर जगह ये सेम पैटर्न पे अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में हम कैसे, मतलब कि ट्रेड के बारे में जानेंगे। तो हम मैं आपको दो ट्रेड दे रहा हूँ। अंबुजा सीमेंट अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रही है अगर ब्रेक करता है, तो ऑलमोस्ट आपको 15-16% का रिटर्न दे देगा। एंड सेकेंड जो है हमारा स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे ये लाइक हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहले से ही कि यहाँ पे ये चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। अगेन एक डिस्क्लेमर ये है कि अगर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अगर डाउनसाइड नहीं रहता है तो ही यहाँ स्टॉक्स चलेंगे, अगर ओवरऑल मार्केट अगर नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन में भी रहता है तो अच्छे खासे ये टारगेट आपको दे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पैटर्न किसी और चार्ट के साथ।